रख लेनी हूं तो मैं तेरी तां करनी हूं, मेरे 10 दिन रह गए ना पीर दे सारे, टोटल मैं थां थां रुल के, मैं रुलन जोगी कुछ नहीं, अल्लाह वास्ते दी अपील है कुरान शरीफ दी, मदद की वजे ते मेरी अपील दहर कराई वजे ते मेरे नाल मुलाकात हो जावे। जितने तक रुलांगा टुरांगा सामेंगा, मैं बच्चे दा सात बच्चे साम रही हूँ, मांग पेन की मेरी मुलाकात हो वजह मैं गरीब हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कामिल मीर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़रीना बीबी, जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल है, सरगोधा से इनका ताल्लुक़ है लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। आज मेरी अचानक इनसे मुलाकात हुई, ये पार्लियामेंट के सामने इंसाफ मांग रही थी, अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलवाना चाहती हैं। इनके बेटे को तकरीबन 8 साल पहले सरगोधा के अंदर इनके घर पर रात को डकैती हुई, जिसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया, जिसके नतीजे में इनका जो इकलौता बेटा था वो जहाँ बाक हो गया। ज़रीना बीबी ने उसके बावजूद हिम्मत नहीं आ रही है, सरगोधा की अदालत के अंदर केस दायर कर दिया, जिसके बाद 7 साल के बाद तकरीबन जिस शख्स ने डकैती की थी उसको सजाए मौत दी गई, जिसके अलावा जो एक और मुल्ज़िम था उसको भी कुछ सालों की सज़ा हुई और जुर्माना भी किया गया था, लेकिन उसके बाद इन मुजरमान ने हाई कोर्ट के अंदर अपील कर दी और हाई कोर्ट ने इनको बरी कर दिया। लेकिन ज़रीना बीबी का कहना है कि इनके बेटे का नाहक खून हुआ है और वो अपने बेटे के कातिलों को सजाए मौत दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। ये इस्लामाबाद के अंदर तो मौजूद हैं लेकिन यहाँ पर इनके पास ना रहने के लिए पैसे हैं और ना ही वापस जाने का इनके पास किराया है। तो मैं ज़रीना बीबी से पूछती हैं कि वो किस तरह 60 साल की उम्र में इनकी अब जो एक बहू है और तकरीबन उनके 7 बच्चे हैं, तो उनकी वो परवरिश कैसे कर रही हैं। तो ज़रीना साहब ये बताइएगा कि इस्लामाबाद अब क्या करने आई हैं। इस्लामाबाद अपने बच्चे का हक लेने आई हूँ, सुप्रीम कोर्ट अपील करने आई हूँ, मेरा एक ही बेटा तो कत्ल हो गया तो हाई कोर्ट बरी कर दिते मुलजिम मेरे, तो हूँ उत्थे 100 डकैती पूरी, 2 कत्ल, 1 थानेदार, 1 मेरा बेटा, तो उन्होंने बरी कर दिता, तो मैं गरीब आ रहा था, मैं थां थां मंग मंग के मैं बच्चे का हक मंगना ही हूँ। मैनू इतने भेजा नहीं भाई, वजीर है हकूक दी, वजीर है हकूक बच्चे, श्री मजारी साहब इंसान हकूक उस दे जिम्मे जा, मैनू अनवर जिम्मे दे पुत्र भेजा अमर सुल्तान, तो गरीब आ रहा था, मेरा कोई हल कटिया बने, इस कुरान का मसला कुरान मैं नाल चौक के आई हूँ, मेरा कोई अदालत नहीं, मेरी कुरान की अपील है, मेरे वड्डी शफारा सी नहीं, मेरी कुरान की अपील है, आए मेरा बच्चा आया मेरा कागल इन सब कुछ देख लियो, मैं गरीब आ रहा था। इनके बच्चे की तस्वीर है जिसको कत्ल किया गया था 7 साल पहले, एक ही डॉक्यूमेंट्स ने जी जी ए नहीं, उन्हें थानेदार मारा सी, ओदे डॉक्यूमेंट है, थाने दी रिपोर्ट है, थाने वाले आख रहे रिपोर्ट मंगो सी, देवन तैयार है 120 रिपोर्ट उस बंदे दी डकैटियां दी, तू ना थे हुकूमत रहम कर रही तो मैं कितों अपीलों ने करा, मैं सुप्रीम कोर्ट गई, एक मैडम मैंने क्या 3 लाख लगता, मैं तेरे तू गरीब वेख के 1.5 लाख लेनी हूँ, तो मैं तेरी तां करनी हूँ, मेरे 10 दिन रह गए ना अपील दे सारे, टोटल मैं थां थां रुल के, मैं रुलन जोगी कुछ नहीं, अल्लाह वास्ते दी अपील है कुरान शरीफ दी, मदद की वजे तो मेरी अपील दायर कराई वजे तो मेरे नाल मुलाकात हो जा। जी नाज़रीन का ये कहना है कि हाई कोर्ट ने जो इसके बेटे के मुजरमों को जो बरी किया था, उसके बाद एक टाइम लिमिट होती है जिसके अंदर अपील फाइल करना होती है, अगर वो उस टाइम लिमिट के अंदर आप अपील फाइल नहीं करेंगे तो इसके बाद आप दोबारा अपील फाइल नहीं कर सकते, तो इनका ये कहना है तकरीबन 10 दिन रह गए हैं कि 10 दिन के अंदर अगर इनकी जानिब से अपील फाइल नहीं की गई तो इसके बाद जो इनके बेटे के मुजरम हैं, जो कातिल हैं, वो इसी तरह सरेआम खुलेआम फिरते रहेंगे और किसी और को वो इसी तरह कत्ल करेंगे या डकैती करके नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये आज एक वकील के साथ भी मिली थी, उनका मैंने कार्ड भी देखा है, इन्होंने मुझे दिखाया भी है कार्ड, उस ऊपर लिखा हुआ है ह्यूमन राइट्स गोल्ड मेडलिस्ट अवार्ड याफ्ता, यानी कि वो उनको पता है, उस वकील को भी पता है कि ये इन जिनके पास चंद 100 रुपये नहीं हैं वो 1.5 लाख रुपया कहाँ से देंगी, तो ये अपील कह रही हैं
कि इनकी मदद कीजिए, स्पेशली शीरी मज़ारी साहबा से ये मिलना चाहती हैं क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात करना चाहती हैं और ये हमें भी बार बार यही कह रही हैं कि इनकी मुलाकात करवाई जाए शीरी मज़ारी साहबा से, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मुलाकात हम करवा पाएँ। लेकिन इसके अलावा ये चाहती हैं कि इनका केस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके पास इतने पैसे आ जाएँ कि वो केस दायर कर सकें। तो की करोगे अगे उन्हें? मैं केस करके तो मैं पुत्र दे डाकू जेड़े कतल करावने ते फाइल लवावने चाहनी हूँ। मेरा बेटा कतल किया नहीं, उन्नी गोलियां लगी हैं मेरे बेटे नू। मैं अम्मी हाँ, जितने तक रुलांगा टुरांगा सावेंगा। मैं बच्चे दे सात बच्चे सांभ रही हूँ, मंग पेन के मेरी मुलाकात हो। मैं गरीब हो रहा था, कोई मेरी इमदाद नहीं मिलती, सरकारी दायरे तो कोई कुछ नहीं मिलता। कोई मेरी अल्लाह वास्ते दी अपील करके तो मैं कुरान शरीफ चौक के आई हूँ, मेरी यह मदद ते मेरी मुलाकात हो जावे। मेरे बच्चे छोटे छोटे मेरी भाव की जगह नहीं मरले हैं, मेरे कोठे पिछली बार चंगेर गए ते मेरे को सारे सबूत हैं, मेरे को सारा डिटेल है साहब जी। कोई मैं गरीब ते रहम कर दो, कोई संभली हाल च कोई कर देवे मेरी मुलाकात कर देवे, कोई अल्लाह वास्ते दी अपील। जी नाजरीन, इनका ये कहना है कि इनकी कोई भी जो हुक्मरान है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट है, ईवान सदर है, कि यहाँ के हुक्मरान मेरी मदद कर दें ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। तो इनका ये कहना है कि ये मांग के गुजारा कर रही हैं और अपने जो बेटे हैं, जो उनके बेटे का नाम था सरफराज, उसके अपने पोते पोतियों को उनकी परवरिश करने की कोशिश कर रही हैं। और इनकी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि इनकी अपील सुनी जाए, इनके या तो इनके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील दायर की जाए ताकि ये अपने बच्चे के कातिलों को सजाए मौत दिलवा सके और ये हुक्मरान है ये इनकी आवाज़ सुने। तो और तो नहीं कुछ कहना? जी मैं तब जाना, कोई मेरी अपील सुनी जाए तो नहीं तो मैं इतने बूहे अगे संभली हाल दबू अगे मैं हाल कर करके इतने ही बैठे रहना। मैं घर नहीं जाना, मैं घर उदर जाना जब मेरी मुलाकात हुई वड्या साहबा नाल ते वड्या वजीरा नाल। मैं उदर जाना जब मैंने बेटे का हक मिलया, मेरा बच्चा घर जती मैंने मेरा कोई वली वारस नहीं खुदा तू बकरा। मैं रोंदी बैठी साहब मैं चौक लिया इतू, मेरा कोई वली वारस नहीं, मैं कल हूँ खुदा है वारस ते एकदम में तो बच्चे हैं। साड़ी छोटी अपील थोड़े अगू तो वही अपील साड़ी खुदा अगे मेहरबानी की वजे। मैं इतने यहाँ मैं मुसाफिर खाने च रसम, मैं अड्डे बच रसम, मैं परी इमाम दरबार त रसम, मैं घर ना जासा। मेरा साईं बन जाओ, मैं गरीब औरत हूँ, मेरी अपील है कुरान शरीफ की अपील है, मेरी मदद थे और कोई नहीं, मेरे साईं बन जाओ। जी नाजरीन, ज़रीना बीबी का कहना है कि मेरे सर पर कोई हाथ रखे, मेरा कोई भी नहीं है अल्लाह के अलावा, मेरा कोई सहारा नहीं है, और आप कोई भी जो साहिब इस्तेसात है या ये हुक्मरान है ये इनका इनके सर पर हाथ रखें और इसके बेटे को इंसाफ दिलवाएं, उनके कातिलों को सजाए मौत दिलवाएं। नाजरीन, माँ की मोहब्बत का तो हम सारे सुनते हैं लेकिन ये भी माँ की मोहब्बत की एक मिसाल है कि इतनी उम्र के अंदर ये अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलवाने के लिए कोशिश करिए। ना तो इनके पास यहाँ पर रहने के लिए जगह है, ना तो इनके पास सफ़र करने के लिए किराया है और ना ही खाने के लिए कुछ है। उसके बावजूद भी ये चाहती हैं और इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और ये चाहती हैं कि इसके बेटे के कातिलों को सजा दिलवाई जाए। इनका यह भी कहना है कि जब तक इसके बेटे के कातिलों को सजा नहीं दिलवाई जाएगी ये इस्लामाबाद छोड़कर वापस नहीं जाएगी, यहीं पर ही बैठी रहेगी। आज का प्रोग्राम नाजरीन आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।